हेलो, हमें देखने और सुनने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम। प्यारे स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू जॉब सेंटर, एक उभरता हुआ नाम, एक उभरता हुआ सितारा। तालीम और तरबियत के मैदान में जॉब सेंटर के नाम से आपको याद होगा। तो आज इसी के प्लेटफॉर्म में हम आपको खैर मकदम कहते हैं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। अजीज दोस्तों, JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो पोस्ट्स हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस की, उन पोस्ट्स में आपके पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका जो ग्रामर पोर्शन है, इंटरपर्सनल स्किल्स का एक टॉपिक आपको आपकी आंखें देखकर बता रही है कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। मैं यहां पे बोर्ड पे लिखता हूं, एक क्लास इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है। बस आप अपना जो है पूरा फोकस और कंसंट्रेटेड रहिए हमारी तरफ। मैं यहां पे लिख रहा हूं जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग इंटर पर्सनल स्किल्स। आपने अपने सिलेबस पे ये टॉपिक देखा होगा और बहुत सारे लोग जो है वो इस टॉपिक को देख के ही बोल रहे हैं, सर ये टॉपिक है क्या? तो आज हम ये बताएंगे ये टॉपिक है क्या। इतना आसान टॉपिक है, आपको मजा आएगा ये पढ़ने में और प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेबिलिटी है। तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत लेक्चर। मैं पहले जो आगाज करूंगा वो है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन, हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सर जी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। हाँ, बात करना, गुफ्तगू करना, बातचीत, वार्तालाप करना। ये तो लेमैन बोलता है, अरे पढ़े लिखे लोग क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे लोग ये बोलेंगे। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड, कहां से निकला है बोलो बच्चों? लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड का नाम क्या है? कॉमिनी केशियो। सर इसमें कितने एम लगा दी यहां तो पता नहीं चल रहा है। COMMUNICATIO, कम्युनिकेशियो। दिस इज अ लेटिन वर्ड, ये ओल्ड जुबान है जिसका ये वर्ड है कम्युनिकेशियो, वहां से निकला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशियो का मतलब होता है, इसका मानी है शेयरिंग, शेयरिंग तकसीम करना, बांटना। अरे शेयरिंग में आप क्या क्या बांट सकते हैं सर जी? शेयरिंग में आप खाना बांट सकते हैं, आप कपड़े बांट सकते हैं, आप खुशियां बांट सकते हैं। हाँ, मेरी आप सभी से यही नसीहत है कि वी शुड मेक पीपल स्माइल। मेकिंग पीपल स्माइल इज अ चैरिटी, लोगों को मुस्कुराना भी सदका है। अब देखिए दोस्तों, शेयर आपने खुशी करी, क्या इसे कम्युनिकेशन कहेंगे? शेयर आपने कपड़े करे, क्या कम्युनिकेशन कहेंगे? शेयर आपने अपने गम किए, कम्युनिकेशन कहेंगे ना? शेयरिंग में यहां पर क्या होगा? यहां पर शेयरिंग में शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। हां मेरे दोस्तों, आपने क्या करा? आपने अपनी नॉलेज को शेयर किया, आपने अपने आइडियाज को शेयर किया। आप मेरा बूथा देख रहे हैं? हाँ सर, आपका देख रहे हैं बूथा। आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं? सर बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो ये जो बूथा देख रहे हैं, इस बूथे के ऊपर जो खोपड़ी है दिख रहा है ना? सर दिख रहा है। इस खोपड़ी के अंदर क्या है वो दिखता है? सर नहीं दिख रहा है। इस खोपड़ी के अंदर है आइडियाज, है लॉजिक्स, है थॉट, है इस सब इसके अंदर है। इसके अंदर क्या क्या है मेरी खोपड़ी में? मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, ग्रामर है, बचपन से लेकर हायर क्लासेस तक वो इसके अंदर है। सही है। अब ये जो कुछ इसके अंदर है वो मुझे आप
तक पहुंचाना है, वो मुझे आपसे शेयर करना है। इस शेयरिंग को कहेंगे कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, लॉजिक्स एंड नॉलेज। ये है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 2% चाहिए मुझे। कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 2% चाहिए। फॉर कम्युनिकेशन वी रिक्वायर, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2%, एटलीस्ट 2%। देखिए मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, आप जो है जितने भी हमारे ऑडियंस हमें देख रही है, हमें सुन रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो ये कम्युनिकेशन है। क्यों? बिकॉज आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू, बिकॉज माई आई एम शेयरिंग माई थॉट्स, माई लॉजिक्स, माई आइडिया विथ यू। सो द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वाई कम्युनिकेशन? वाई कम्युनिकेशन? ताकि लोग आपस में कनेक्ट हो सके, इंटरेक्ट कर सके, है ना। हम कुछ बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये तो कम्युनिकेशन हुआ। एक्सचेंज सिर्फ बोलने का नाम कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन कब डेवलप होगा? जब हम भी बात करेंगे और आपके समझ में आ गया, फिर आप बोलेंगे, हम समझेंगे। इट इज कम्युनिकेशन। इसे कहते हैं गुफ्तगू, बातचीत करना। यहां तक सबको समझ में आया? उम्मीद है कि आपको यहां तक मजा आया होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक, फ्रॉम अ लेटिन वर्ड कम्युनिकेशियो, विच मीन्स टू शेयर, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, नॉलेज, थॉट्स, इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। एटलीस्ट 2% चाहिए हमको, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का नाम है कम्युनिकेशन। अब एक बात सुनिए ध्यान से, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, छोटा एक बच्चा हमारे सामने है। आमतौर पर हम घरों में यह देखते हैं, छोटे बच्चे को हम यूं बुलाते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तू इधर आ, प्यार से बोलते, तू इधर आ। वो आपने शेर तो सुना ही होगा कि मोहब्बत में सब तकल्लुफ मिट गए, पहले आप था फिर तुम थे फिर तू बन गए। मोहब्बत में सब तकल्लुफ खो बैठे, पहले आप था, आप आइए, फिर तुम, फिर तू हो गए। तो इसका ये मतलब, तो कहते हैं तू इधर आ, क्या आपको आप कहने में कोई तकल्लुफ हो रहा है? कितना अच्छा होता हम ये कहते आप इधर आओ। दो जुमले दे रहा हूं, तू इधर आ, तू इधर आ, आप इधर आइए। दोनों में जो इंस्ट्रक्शन है वो यहां आने की है, दोनों में जो इंस्ट्रक्शन है वो यहां आने की है, लेकिन लहजा अलग अलग है। फर्स्ट में लहजा ये है कि आप इधर आइए, आप इधर आइए, लहजा ये है, लहजा डिसेंट है, लहजा ये है कि ये पोलाइट है, लहजा ये है कि रेस्पेक्ट है, लहजा ये है कि ये प्यार भरा है। एक होता है तू इधर आ, लहजा क्या है? रूड है, लहजा क्या है? कोल्ड है, लहजा क्या है? क्रूअल है। लहजे में फर्क है, बात तो दोनों है लेकिन लहजे में फर्क है। जो बात पहुंचा रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। जिस लहजे में कर रहे हैं, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल। बात जो कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कन्वे कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। द वे यू रिप्रेजेंट, द वे यू प्रेजेंट दोज आइडियाज और सेट ऑफ कम्युनिकेशंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल स्किल। आसान अल्फाज में समझाता हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटरपर्सनल स्किल। सबसे पहले कम्युनिकेशन आपको समझ में आया है। कम्युनिकेशन के साथ एक टर्म मैंने रखी है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन यू अंडरस्टूड इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ लॉजिक्स, शेयरिंग ऑफ व्हाट? शेयरिंग ऑफ योर नॉलेज, इट इज कम्युनिकेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल, स्किल इज सिंपली टैलेंट। स्किल इज टैलेंट, आपका हुनर, आपकी एबिलिटी। आप जो शेयर कर रहे हैं, ये शेयर करने की सलाहियत भी है आपके पास। भाई कितने लोग पढ़ाने आते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं नंबर वन बेकार या नंबर वन कमाल, ये आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हम सर कमाल पढ़ा रहे हैं या बेकार पढ़ा रहे हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। किस वजह पे करेंगे? मैं जो पढ़ा रहा हूं ये जो है ये नॉलेज है, ये
एक कम्युनिकेशन है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, पर जिस लहजे से आपको समझ में आ रहा है वो माना रखेगा। कितने लोग जो होते हैं जो बड़े बड़े डिग्रियां करके पढ़ाने तो आते हैं, लेकिन यूं लगता है कभी कभी अफसोस के साथ कि वो खुद ही खुद को पढ़ा रहे हैं। तो खुद ही खुद को पढ़ाना ये डिटरमाइन करेगा, स्किल नहीं है रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन वीक है, बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप सोचते होंगे सर इतना क्यों जोर से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी पैदा कर रहे हैं कि आप एनर्जाइज हो जाइए और आपकी जो सीट है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप अपनी सीट ले लीजिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कीजिए। सुनिए, स्किल का मतलब होता है टैलेंट, आपकी हुनर, एबिलिटी। कम्युनिकेशन स्किल इज एक्चुअली एन एबिलिटी टू गेट एन आइडिया, एक आइडिया को हासिल करना और फिर उस आइडिया को कन्वे करना, उस आइडिया को कन्वे करना इन ए वे दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। मैं यहां पे लिख लेता हूं, सुनिए, कम्युनिकेशन स्किल दोस्त, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, मूवी तो अभी बाकी है दोस्त, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में आपको एक बात बता दूं, पढ़ना ये नहीं है कि जो आपको रटना पड़े, पढ़ना ये है कि जो आपको पढ़ाने के काबिल बना सके। अभी आप मेरी इंट्रोडक्शन नहीं जानते ना, आपके लिए तो नया चेहरा है, नया बूथा है। इंट्रोडक्शन ये थोड़ी है कि मैं आते हुए बताऊं मैं क्या हूं, कितना पढ़ा हूं। इंट्रोडक्शन ये है कि आप मांगने पर मजबूर हो जाए, कमेंट में लिखें कि सर नाम क्या है, कमाल का पढ़ा दिए है या बेकार पढ़ा दिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनिए, कम्युनिकेशन स्किल ये मैंने एक्सप्लेन करा है, इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। स्किल इज सिंपली एबिलिटी, तो मैं इसको लिखूंगा एन एबिलिटी टू सेट एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट और गेट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एन एबिलिटी टू गेट एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम, बी एबल टू कन्वे देम इन ए मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। That is comprehensible. ठीक है बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एन एबिलिटी टू गेट एन आइडिया। सबसे पहले आप आइडिया तो ले, उसके बाद आइडिया है, आइडिया इज क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए जो आइडिया आपको आ गया है उसको आप कन्वे करें, लोगों तक पहुंचाए इन ए मैनर, इस तरीके में, That is comprehensible, that can be understood, इसको समझा जा सके। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, लिख दो कमेंट सेक्शन में समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसा पढ़ाऊं जो आपको समझ ही में समझ ना आए तो फिर क्या पढ़ा है? तो मतलब comprehensible नहीं है। अभी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक तब वॉच करेंगे जब आपको पढ़ने में लुत्फ आया है, आपको लुत्फ आ रहा होगा, आप चाहते हैं कि सर आप पढ़ाते रहिए, बहुत आनंद आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल, इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, अब इसके बाद है हमारा इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस इंटरपर्सनल स्किल? सुनना ध्यान से बच्चे, कम्युनिकेशन स्किल समझ में आया, आइडिया लेना, उस आइडिया को कन्वे करना उस अंदाज में कि दूसरा उस अंदाज को समझ पा सके, इट इज कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम आ गए यहां पढ़ाने,
एक कमाल का कोट पहना है, टाई है, शर्ट है, और ऊपर वो पहाड़ वाला स्टाइल बना दिया है, यहाँ ट्रैक्टर चला के इधर कमाल का स्टाइल बना दिया है, और हम आ गए बड़े ग्रूम होके। अच्छी बात है ग्रूम होना, आ गए इधर पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आपको आपकी भेजे में समझ कुछ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बताओ मेरा यूं सजना संवरना इस अंदाज से आना फायदा दे रहा है बेकार है? क्योंकि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो मेरा ग्रूम करने का मतलब ही कुछ नहीं है। सो इट डज नॉट मैटर हाउ नाइस और चार्मिंग आई एम, इट डज नॉट मैटर हाउ नाइस और चार्मिंग आई एम, इट मैटर्स दैट वेदर माई ideas or my set of instructions cause confusion or not. क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पढ़ने से आपके भेजे में उलझन तो नहीं आ रही है? अगर आपके भेजे में उलझन आ रही है तो मेरा नाइस और चार्मिंग होना फजूल है। दूसरी बात क्या मैंने कहा, इट डज नॉट मैटर, जो लिखना चाहे लिख लो, इट डज नॉट मैटर हाउ नाइस और चार्मिंग यू आर कामा इफ The set of instructions you give cause confusion. पहली बात। दूसरा चीज, it does not matter how your instructions are clear. मैं बोल रहा हूं आपको, इधर एक बच्चा है, मैं उससे पूछ रहा हूं, बच्चे तो इधर आप इधर आइए, दोनों में instruction clear है, तो इधर आ, मतलब उसको इधर आना है, तू इधर आ, मैं instruction तो clear है लेकिन जो लहजा है वो रूड है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, वो क्लियर है। क्लियर होने का मतलब नहीं है, मतलब दोस्त ये है कि मैं जो बता रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, उसका लहजा भी डिटरमाइन करेंगे। एक बच्चा हमारे ऑफिस में आया, मैं उसको बोल रहा हूं इधर बैठ, ये भी बात है, लेकिन एक होता है इधर बैठिए, दोनों बातें हैं, दोनों में क्लियर इंस्ट्रक्शन तो है लेकिन लहजा, एक में प्यार छिलकता है और एक में सरासर ये दिख रहा है कि जो बोलने वाला है ये बेअदब है। तो क्या मतलब है, समझ गए क्या? इंस्ट्रक्शन कन्वे करना ये जरूरी है पर इतना जरूरी नहीं कि जितना इसका लहजा जरूरी है। जो लहजा है दैट इज इंटरपर्सनल स्किल, जो आप पहुंचा रहे हैं दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। मिसाल के तौर पर सर और एग्जांपल दीजिए, मैंने केक एक पिज्जा आपको दे दिया, मैंने कहा खा लो पिज्जा, लेकिन उस पिज्जा के ऊपर आपने देखा धूल है, उसको रैप नहीं किया है कि पिज्जा ही दे रहा हूं लेकिन प्रेजेंटेशन बेकार है। इट डज नॉट मैटर हाउ टेस्टी केक इज, rather it matters how it is presented. It does not matter how cake is tasty, rather it matters how cake is presented. मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको केक दे रहा हूं लेकिन रैप नहीं करा, आप खाएंगे नहीं, बोलेंगे सर इसमें डस्ट है। मैं आपको केक दे रहा हूं, रैप करके ऊपर से लिखा है Happy birthday to you, तो इस अंदाज से मैं जब आपको दे रहा हूं आप कहेंगे सर दे दीजिए ना, खिलाइए तो सही, प्रेजेंटेशन अच्छी है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल होना तो जरूरी है, साथ में यह भी जरूरी है कि जिस अंदाज को पेश किया जा रहा है। अब अंदाज पेश करने का अच्छा है लेकिन कंटेंट बेकार है। अब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, अभी अंदाज शायद क्या आपको लगता होगा कमाल पढ़ा रहे हैं लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो बेकार है। तो मतलब दोनों चीजें जरूरी है, एक जो कंटेंट दिया जा रहा है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है और जो अंदाज है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, तभी तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना। चलिए बात अब सुनिए, इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या होता है, एन एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल इन एन इफेक्टिव वे। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब है प्यारे बच्चों कि एन एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ पीपल इन एन इफेक्टिव वे।
आप लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बात इस तरह से कर रहे हैं कि जो बात असर अंदाज हो। हाँ, बात जो हमने की, हाँ, असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। हाँ, शेर याद आया, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज रखती है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर परवाज रखती है। तो क्या कहने का मतलब यह है कि अंदाजे बयां अच्छा है। तो ये अंदाजे बयां का नाम क्या पड़ेगा आसान भाषा में? इंटरपर्सनल स्किल्स। उम्मीद है आपको इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में फर्क मालूम हुआ होगा। आखिरी जुमला यह है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस हुनर का नाम कम्युनिकेशन स्किल है। जिस लबो लहजे में प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि ये असरअंदाज हो जाए, ये दूसरे पर इफेक्ट कर जाए, उसके दिल पर बात लग जाए, ये आपका है इंटरपर्सनल स्किल। क्या मतलब? सर, आप पढ़ाने आए हैं, आपका अंदाज भी नाइस है, चार्मिंग है, पोलाइट है, और कंटेंट भी कमाल पढ़ा रहे। कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं वो उस एबिलिटी से, जिस एबिलिटी से आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल है। लेकिन उसके साथ जो बिहेवियर जुड़ा है, जो उसके साथ अंदाज जुड़ा हुआ है, चलने का, उठने का, बात करने का, आई टू कॉन्टैक्ट का, डिलीवरेंस का, असर्टिवनेस का, ये आपका इंटरपर्सनल स्किल है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो दोस्त ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इम्तिहान इश्क है, पांव पहला रखा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। एक सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, एक सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, और दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। आगे चलते हैं, इस कम्युनिकेशन स्किल को हम और गहराई से पढ़ेंगे। नाउ फॉर द इस कम्युनिकेशन स्किल को हम डिफाइन करेंगे और इंटरपर्सनल स्किल। मैं यहां पे इंटरपर्सनल स्किल की डेफिनेशन लिखता हूं, इंटरपर्सनल स्किल, YouTube के पूरे डेटाबेस पे गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आप हमारा लेक्चर और दूसरे पढ़ाने वाला लेक्चर कंपेयर करिए। कंपेयर इसलिए करना जरूरी है ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हमारा कंटेंट कैसा लगा, अंदाजे बयां कैसा लगा, ताकि हमें अपने आप को मजीद अच्छा बनाने का मौका दिया जाएगा। और आपको ये बता रहा हूं, पूरे डेटाबेस पे ये नॉलेज जो है ना, ये आपको नंबर वन पे नजर आएगी अल्लाह के फजल से। देखिए, इंटरपर्सनल स्किल को कहते हैं हम, दीज आर दोज behaviors or tactics that a person uses while interacting with others in order to make communication effective. In order to make communication effective, वो बिहेवियर, वो टैक्टिक्स जिससे आप
दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए अपनी गुफ्तगू को असरअंदाज बनाते हैं, उस स्किल का नाम, उस अंदाज का नाम इंटरपर्सनल स्किल है। जरा इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दे दे। एक लिखा है इंटर, प्लस लिखा है पर्सनल। एक लिखा है इंटर, दूसरा लिखा है पर्सनल। लिख रहा ना आपको प्यारे बच्चों, इंटर और पर्सनल। मैं बता दूं आपको, ये जो इंटर है ना, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। और पर्सनल जो है ना, इस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है विच बिलोंग्स टू यू, जो आपका है। हाँ जी जनाब, जो आपका है। सर ये कोट आपने पहना है, पहना है, ये आपका है, स्वेटर आपकी है, पेन आपका है, बोर्ड आपका है, बस समझ में आ रही है। So, ये जो आपका है, ये पर्सनल होता है, विच बिलोंग्स टू यू। इंटर का मतलब होता है, इट इज प्रीफिक्स, इंटर मींस बिटवीन, इसका मतलब होता है बिटवीन। इस इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। और पर्सनल का मतलब विच बिलोंग्स टू यू, यानी कि अगर मैं इसको जमा करूं तो वो स्किल, वो स्किल जो जाती होते हैं, क्या होते हैं? जाती, यानी कि जो तुम्हारे होते हैं, वो स्किल जो जाती होते हैं और जो दो पर्संस के बीच इंट्रैक्शन के वक्त, कम्युनिकेशन के वक्त, कम्युनिकेशन के वक्त जिनका इजहार होता है, इजहार होता है। मैं इसको बता रहा हूं, देखो आसान और सरल अल्फाज में मैंने कह दिया, सुनिए क्या कहा मैंने। मैंने कहा इंटरपर्सनल स्किल वो स्किल होते हैं, वो टैलेंट, वो बिहेवियर, वो टैक्टिक्स जो एक पर्सन के जाती है, यानी कि उसके अपने हैं। और बिटवीन का मतलब ये होता है जब एक बंदा दूसरे से गुफ्तगू करेगा। अब बिटवीन कब आएगा? बिटवीन तब आता है जब दो पर्सन हो। मैं अपने आप ही से खुद बात कर रहा हूं, बिटवीन कहा है, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो हमारे दरमियान क्या हो रहा है? हमारे दरमियान एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, हमारे दरमियान नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है, हमारे दरमियान बात हो रही है। इस बात करते हुए, इस बात करते हुए जिन स्किल्स का, जिस बिहेवियर का इजहार होता है, जो बिहेवियर आपको शो हो रहा है, जो टैलेंट आपको शो हो रहा है, हमारे और आपके गुफ्तगू करने के दरमियान, वो गुफ्तगू जिसके दरमियान ये टैलेंट शो हो जाए, इन टैलेंट्स का नाम है इंटरपर्सनल स्किल। इंटर इसलिए क्योंकि दो बंदों के बीच की कम्युनिकेशन है, पर्सनल इसलिए इट बिलोंग्स टू मी। क्यों है भाई साहब, किस लिए चाहिए इंटरपर्सनल स्किल? इसलिए ताकि आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, यहां तो सबको समझ में आया है, वेरी गुड। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं फटाफट से नोट कीजिए। चलिए आगे, चलिए। क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे कोई। सर बीच में शेरो शायरी कहां से आती है? चलिए, क्लास को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बीच में शेरो शायरी का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इंटर, इंटर पर्सनल स्किल अब हम समझ गए। एक होता है इंटरपर्सनल स्किल, एक होता है इंट्रा पर्सनल स्किल, एक होता है इंटरपर्सनल, दूसरा होता है इंट्रा पर्सनल स्किल। इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, पढ़ा है ना अभी हमने? हाँ सर आपने तो पढ़ाया है इंटर। दूसरा होता है इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है विदिन, क्या होता है छोटे बच्चों?
डोरेमोन, शिज़ुका, नोबिता, सबको समझ में आया है? हाँ सर समझ में आया है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो इसका ये मतलब हम समझ गए हैं कि जब हम इंटरपर्सनल की बात करेंगे तो ये वो स्किल है जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये ए पर्सन बी पर्सन के साथ वार्तालाप कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तब जो स्किल आएंगे वो इंटरपर्सनल होगा। लेकिन जब ये बंदा प्यार में मोहब्बत में धोखा खा गया है और ये सिर्फ अपने आप ही से बात कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा ये ए है, ये बेचारा प्यार में जो है वो धोखा खा गया है, अब ये इसको बात करने के लिए कोई नहीं मिला है, ये बात अपने आप ही से कर रहा है, कहता है हाल तुझे क्या हुआ है, तू तो जो दिन तुम्हें पढ़ने को मिले थे उन पढ़ने के दिनों में तू प्यार करने लगा है, ये तो तूने बहुत गलत किया है। अब जब ये अपने आप ही से बात कर रहा है तो ये हम कहेंगे इंट्रा पर्सनल स्किल इसका है कि अपने आप ही से बात करना। इसको आगे हम डिफाइन करेंगे, अभी तो हंसते मुस्कुराते अंदाज में इसको बता दिया मैंने। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब होता है बिटवीन। अब जरा देखते हैं इस इंटरपर्सनल स्किल, क्योंकि आपके सिलेबस में इंट्रा पर्सनल स्किल तो नहीं है लेकिन हम पढ़ाएंगे। अरे क्या है वो जो हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्त, आगे तो देखिए कितना मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा ना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसा पढ़ाई है, कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है तो आनंद लीजिए ना। अब देखिए, अब जो हम पढ़ाने लगे हैं वो है इंटरपर्सनल स्किल के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या इसके अंदर आएगा, आएगा आएगा, हमको मजा आएगा। इंटरपर्सनल स्किल, इस इंटरपर्सनल स्किल के अंदर हमारा नंबर वन, ये कहां से रेंज करते हैं इंटरपर्सनल स्किल, लिखना चाहिए तो लिख लो, इंटरपर्सनल स्किल्स रेंज फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग टू, दे रेंज फ्रॉम, इंटरपर्सनल स्किल क्या करते हैं, रेंज फ्रॉम कम्युनिकेशन टू, कम्युनिकेशन कामा लिसनिंग, लिसनिंग टू एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट। सुनो ध्यान से, दोबारा लिखते हैं, सुनो, इंटरपर्सनल स्किल्स मैंने कहा रेंज फ्रॉम कम्युनिकेशन लिसनिंग टू एटीट्यूड एंड डिपोर्टमेंट। ये एक होता है, एक है ग्रामर में, इंग्लिश में एक वर्ड है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, है ना, बोलो बच्चों, एक होता है डिपार्टमेंट, एक होता है डिपोर्टमेंट। मजा आ रहा है ना, एक होता है डिपोर्टमेंट, एक होता है डिपोर्टमेंट। अरे यहां तो फर्क सिर्फ ए और ओ का है ना, यहां पे ए है यहां पे ओ है, सर क्या फर्क है आप बताइए जरा। डिपार्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों क्या, सेक्शन, भाई ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, ये ग्रामर का है, ये मैथ का, ये तो डिपार्टमेंट सेक्शन है। लेकिन डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है एक बंदा है, इस बंदे का नाम ए है, ये बंदा चलता कैसे है, इसका स्टाइल वॉकिंग का कैसे, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही स्टैंड्स। अच्छा एक बंदा ए है, ये बंदा बात कैसे करता है, ये बात चलता कैसे है, ये आपके सामने पब्लिक के सामने खड़े कैसे हुआ, आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये सारा किसके अंदर आएगा, इस डिपोर्टमेंट के अंदर आएगा। तो हम ये समझ गए हैं इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या आता है, आपका कम्युनिकेशन, गुफ्तगू करने का अंदाज, आपका सुनने का अंदाज, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका डिपोर्टमेंट, यानी कि आप कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं, ये सारा आपके इंटरपर्सनल स्किल में आ जाएगा। चलिए आगे, अब मजा आ रहा ना, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, आप ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमारा तो दिल खुश हो रहा है। कितने बच्चे ये चाहते हैं कि सर काश आपका बूथा पहले देख लिया होता, हम तो देर कर दिया हमने आपको पहचानने में, आप तो अब मिले हैं, शुक्र है अल्लाह का कि आखिर मिले तो सही ना। चलिए आगे, इंटरपर्सनल स्किल हमारे पास कम से कम 15 इसके टाइप्स है, 15 इसके अंदर सब टाइप्स है। इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या आता है
देख लीजिए। क्या बात है, सुनिए, इंटर पर्सनल स्किल, इसके अंदर आते हमारे पास 15 इसके टाइप्स, यानी कि ये स्किल कितने 15 टाइप के हैं। नंबर वन पे आएगा, क्या आएगा नंबर वन पे, लिख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर एतिमाद होना, हिंदी में बोले तो आत्मविश्वास। यानी कि इंटरपर्सनल स्किल में दोस्तों क्या आएगा आपका, नंबर वन बोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा होना। भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी का उसूल है जीने का, अगर आपको ये तीन सवालों के जवाब मिल गए तो जिंदगी में आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्त नंबर वन, मैं दुनिया में क्यों आया, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मैं हूं क्या, मैं करूंगा क्या, कितना समाज को फायदा पहुंचाऊंगा, कितना देश का भला होगा मेरे से, ये सवाल का जवाब भी आपके पास दोस्त होना बहुत जरूरी है। मैं दुनिया में क्यों आया, इसका जवाब, मैं हूं क्या, इसका जवाब, मैं करूंगा क्या, इसका जवाब, इन तीनों का जवाब अगर आपके पास है तो कौन आपकी तरक्की को रोक सकता है। दोस्त ये इंटरपर्सनल स्किल ग्रामर में क्यों आया, इसका जवाब ढूंढना है। ये है क्या है, इसका जवाब ढूंढना है। ये करता क्या है, इसका जवाब ढूंढना है। इन तीनों का जवाब मिलेगा तो एग्जाम में आप सिर्फ देख के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, आंसर बतला देंगे। इस तरीके से सर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नेवर क्लेम आई टीच द बेस्ट बट आई ट्राई टू टीच द बेस्ट। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है प्यारे बच्चों वर्बल कम्युनिकेशन। अंग्रेज का बच्चे इसको कैसे पढ़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, तीसरा इसमें आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आपको इंटरपर्सनल स्किल में क्या क्या हमने बताया, एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद इसके अंदर आएगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पांचवा है पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके बाद आएगा इसके अंदर एम्पैथी, सब कुछ हम समझाएंगे प्यारे बच्चों, एम्पैथी। उसके बाद छठे नंबर पे एक आया आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, एम्पैथी, एंड सिक्स इज असर्टिवनेस। सातवां है ओपननेस टू फीडबैक, अरे वो पढ़ाना ही क्या पढ़ाना हुआ, जहां पर कलेजा अपना दिल इतना बड़ा नहीं है कि बाद में बच्चों से फीडबैक सुनने की हिम्मत हो। हाँ, इंटरपर्सनल स्किल सर का डिसाइड तब हो जाएगा जब कमेंट सेक्शन में आप कहेंगे सर आपने अच्छा पढ़ाया तो क्या बात है, और अच्छा पढ़ाएंगे। आपने कहा सर आप तो बेकार पढ़ा रहे हैं, इस बात पे बुरा नहीं मानना मैंने, बल्कि मुझे और खुश होना चाहिए क्योंकि मौका मिल रहा है अपने आप को और संवारने का और सुधारने का और अच्छे से प्रेजेंट करने का। तो क्या समझ गए हम कि ओपननेस टू फीडबैक, फीडबैक सुनने के लिए भी आपका कलेजा बड़ा होना चाहिए, ये भी आपका इंटरपर्सनल स्किल डिसाइड करेगा। आठवें नंबर पर लिख लो, हम आपके बीच में नहीं बनेंगे आपका पर्दा, आप लिख लीजिए आराम से। आठवें नंबर पे आपका आएगा लिसनिंग स्किल्स। नौवें नंबर पे आएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मुझे एक बात बताइए, वो इंसान ही क्या इंसान है जिसको दूसरे का दर्द ना हो महसूस हो, वो इंसान ही क्या इंसान है। आजकल कुछ लोग, मुझे तो अफसोस होता है उनकी पढ़ाई देख करके, वो पढ़े लिखे है भी नहीं, दो बच्चों को, दो भाई आपस में, दो दोस्त आपस में किसी छोटी सी बात पे उनका तू तू मैं शुरू हुआ, झगड़ा हुआ, ये बंदा ना इंसानियत का प्रचार करने वाला वीडियो बनाता है, ओ हम वीडियो बनाएंगे।
अरे नालायक क्या वीडियो बना रहा है, इनको आपस में सुलझाओ, इनका झगड़ा दूर करो, इनको आपस में प्यार और मोहब्बत से रिकॉन्साइल कराओ, यही तो इंसान होने की पहचान है। तो इंटरपर्सनल स्किल में क्या आएगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपके पास ये टैलेंट भी, ये स्किल भी होना चाहिए कि आप झगड़ा ना होने दे और जहां हो रहा है वहां रेजोल्यूशन लगा दे कि भाई हम आ गए हैं तो सिर्फ मोहब्बत की बात होगी, दोस्त नफरतें मिटा दो, मोहब्बतें फैला दो। उसके बाद है, कितने हुए, 9। उसके बाद दसवां जो है, दैट वी कॉल एज नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। और 11 आएगा हमारे पास, लिख लो, नेगोशिएशन स्किल लिखा, शाबाश। उसके बाद अब आएगा आपके पास रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। और 12वें नंबर पे आपका आएगा रेस्पेक्टफुलनेस, रेस्पेक्टफुलनेस। 13वें नंबर पे आपके पास आएगा कोलैबोरेशन, क्या आएगा, समझौता करना, कोलैबोरेशन। और 14वें नंबर पे आपके पास आएगा, उसका नाम है लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। और 15वें नंबर पे आएगा आपके पास, आपके पास आएगा सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं आपको हंसी आ रही ना, हाँ जी सर हम बहुत हंस रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं हमको मजा आ रहा है, मैं इसको यहां पर दोबारा लिखता हूं, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। समय बच्चे आ रहा है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर ये भी आपका इंटरपर्सनल स्किल है। जरा मैं इन 15 इंटरपर्सनल स्किल को एक ही करके पढ़ता हूं। नंबर वन प्यारे दोस्तों आएगा आपका, नंबर वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा इसके बाद फोर्थ क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पांचवा क्या है, एम्पैथी। छठा क्या है, असर्टिवनेस। सेवंथ क्या है, ओपननेस टू फीडबैक। आठवा क्या है, लिसनिंग स्किल्स। नौवा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दसवा क्या है, नेगोशिएशन स्किल्स। और ग्यारहवा क्या है, रिलायबिलिटी। बारहवा क्या है, रिस्पेक्टफुलनेस। तेरहवा क्या है, कोलैबोरेशन। और चौदहवा क्या है, लीडरशिप स्किल्स। पंद्रहवा क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ये 15 आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, बोलो, ये हमारे पास क्या है, वी कॉल दिस एज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये हमारे टोटल 15 इंटरपर्सनल स्किल्स है। अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, इंटर किसे कहते हैं, इंट्रा किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं, डिफाइन करा, फिर उसके टाइटल बता दिए कि क्या क्या है इंटरपर्सनल स्किल में, क्या क्या हमको मिलता है, ये सब हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, बहुत ही आपको मजा आया होगा। तो आगे जो है मजीद हम इसको पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, और क्या, और आप सर का YouTube चैनल इंजीनियर सईद ज़ादा को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इंजीनियर सईद ज़ादा सर का चैनल है। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर वन इस चैनल पे आपको मिलेगा, आपको व्लॉग्स मिलेंगे, आपको मॉरल मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है ना, यहां पर आपको मिल जाएगा इंजीनियर सईद ज़ादा। लिखा ना आपने, ठीक है, चलिए आगे इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, इसका क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंट्रापर्सनल स्किल्स।
इंटरपर्सनल स्किल वर्सेस इंट्रापर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का किससे फर्क है? इंट्रापर्सनल स्किल से। उम्मीद है मुझे आपको बड़ा लुत्फ आ रहा होगा पढ़ते हुए। इंट्रापर्सनल स्किल अगर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, इट इज कम्युनिकेशन दैट वी हैव विथ आर ओन सेल्व्स। इंट्रा का मैंने बताया था आपको, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, पता है ना? अरे बोलो मिलके, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इसका मतलब है ये वो पर्सनल स्किल है, ये वो पर्सनल स्किल है जब बंदा अपने आप ही से बात कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, यानी कि अपने आप ही से बात करना, यानी कि अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करने का मतलब क्या है? ये आपका इंट्रापर्सनल स्किल हुआ। लेकिन इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन हमेशा अपने आप से नहीं आता है, बिटवीन दो पर्सन के, ए और बी पर्सन है, इन दो पर्सन के बीच में गुफ्तगू होगा, तब आपके पास इंटरपर्सनल स्किल आएगा। तो क्या कहेंगे हम कि अगर लिखना चाहे तो लिख लो, इंटरपर्सनल स्किल इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। यानी कि इसमें कितने पर्सन चाहिए, पर्सन कितने रिक्वायर्ड है? एटलीस्ट टू चाहिए इसमें, एटलीस्ट टू पर्सन चाहिए। और अगर आपको दो पर्सन तो मिल गए हैं, दो पर्सन मिल गए तो आपका इंटरपर्सनल स्किल है, या मोर देन टू, कम से कम आपको इंटरपर्सनल स्किल को दिखलाने के लिए, इनका इजहार करने के लिए दो पर्सन चाहिए। अगर दो नहीं है तो फिर दो से अधिक बंदे भी आपको चलेंगे, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल है। लेकिन यहां पर इंट्रा में सिर्फ जो पर्सन है, जो पर्सन है, दैट इज ओनली वन, ओनली वन। सही बात है? यहां तक समझ गए? और देखिए, मैं आपको एक बात मजे की बता दूं, जो इंटरपर्सनल स्किल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इंटरपर्सनल स्किल ये हर वक्त बंदा नहीं करेगा। भाई हर वक्त क्या मैं बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा आप लोगों से, हर वक्त क्या बातें होती रहेगी? नहीं, ये जो है ना, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस। इंटरपर्सनल स्किल जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं, इंटरपर्सनल स्किल इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस, बोलो यार, ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, ये हमेशा अपने ब्रेन में चलता रहता है, ये इंसान अपने आप से बात करता रहता है। भाई आपकी सोचे, आपका ख्याल, आपका दिमाग क्या सोचने से रुक जाता है? आप सोच रहे थे मैंने आज ये पिया, मैंने आज ये खाया, मुझे अब जिंदगी में ये करना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, अपने और अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन करना है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। इट इज इंट्रापर्सनल स्किल। तो ये आपका कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है? कंटिन्यूअस। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट ये होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर। मैं आप इसको फर्क बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड रेगुलर। सुनिए ध्यान से, ये लिख लिया, नोट किया है तो कर लीजिए नोट। ठीक है ना, आप इसको जो है नोट कीजिए। अब मैं आपको फर्क बता रहा हूं, नोट किया होगा आपने, अब मैं आपको फर्क बता रहा हूं कंटिन्यूअस और रेगुलर में फर्क क्या है। यार कमाल की इंग्लिश सीखनी है इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। ये इंग्लिश जो है ये
पहली और आखिरी बार आप सीख रहे हैं। इन कंटिन्यूअस और रेगुलर में क्या फर्क है? ओके, तो मेरे देखने और सुनने वाले जितने भी हमारे प्यारे दोस्त है, ये वीडियो को स्पॉन्सर करा है जॉब्स अड्डा ने। जॉब्स अड्डा कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम है, जो फलक पर है, जो आसमान पर है। मैक्सिमम सिलेक्शंस इस वक्त है, तो आप जो है, आपको वीडियो के एंड में इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे, तो आप इस कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट से रब्ता करिए और अपनी सीट को बुक कराइए, ताकि ये क्वालिटी एजुकेशन आपको ऑफलाइन में भी पढ़ने को मिल सके। अब देखिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूस और रेगुलर में क्या फर्क है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो लगातार हो, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, जिसमें मुनकता ना हो, जिसमें इनकिता ना हो, जिसमें, देखो एक लाइन है, ये लाइन है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं कहीं डिस्कनेक्शन है, कहीं टूटी है, तो हम कहेंगे ये लाइन क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, मैं ऐसे कर रहा हूं, अब इस लाइन में ये ब्रेक है ना, ये ब्रेक है, तो इसको हम कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। हम खाना कंटिन्यूअस खाते हैं या रेगुलर खाते हैं, बोलो? हम खाना कंटिन्यूअस खाते हैं, रेगुलर खाना इज कंटिन्यूअस प्रोसेस और रेगुलर प्रोसेस। खाना कंटिन्यूअस नहीं है, क्या बंदा 24 घंटे हम 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 खाता रहता है? नहीं, खाना बंदा रेगुलर खाता है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पहुंचता है, फिर खाता है। ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट का अपना टाइम है, बोलो? लंच का अपना टाइम है, डिनर का अपना टाइम है, सफर का अपना टाइम है। तो इस तरीके से जो है, हर अपने एक मील का अपना एक प्रॉपर टाइम होता है। तो हम ये कहेंगे खाना खाना इज रेगुलर, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर हो रहा बात है? तो इसी तरीके से रेगुलर का मतलब होता है दैट रिपीट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जो रिपीट करेगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम जो रिपीट करेगा, उसे हम कहते हैं रेगुलर। अब देखिए, हम और आप जो है, आप हमारे इस YouTube चैनल पे आप हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, आपको पता है कि सर का लेक्चर इस टाइम पे आएगा, तो आप तब यहां पर हाजिर होंगे। ऑफलाइन क्लास में इतने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आपको प्रॉपर टाइम पता है कि सर का लेक्चर होता है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो इस टाइम आप आएंगे, इसका मतलब है कल को भी लेक्चर इसी टाइम होगा। सो इट इज रेगुलर, इट इज रेगुलर फिनोमिना। अब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सर का लेक्चर 1 से लेकर 2 बजे तक है, फ्रॉम 1 PM to 2 PM सर का 1 घंटे का लेक्चर है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर बीच में ब्रेक नहीं, ये कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रहा है? ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंट्रा पर्सनल स्किल है, यानी कि जो विद इन आवर सेल्फ है, जो कम्युनिकेशन हम खुद के साथ कर रहे हैं, ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस है। क्या है? इंट्रा पर्सनल स्किल क्या है? कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जो हमारे पास इंटरपर्सनल है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, बोलो? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है? ये रेगुलर है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। ओके, अच्छा जी, ये कब कब होता है? ये तब तब होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल स्किल तो कंटिन्यूस चलेगा, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल जो है, ये तब तब होगा जब सोशल नीड होगी। भाई मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, तभी मैं आपसे बात करूंगा ना, जब बात जरूरत ही नहीं है तो बात क्यों करूंगा? वो एक शायर ने क्या खूब लिखा है, बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी, बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी, फिर हर शख्स को तुमसे शिकायत होगी। यूं ही बोलते रहना, फालतू तो बोलते रहना, तब तो गलतियां ज्यादा करोगे यार। अरे बोलो तब ना, जब दूसरा सुनने के लिए आया हो, सुनना चाहता ही नहीं है, बोले जा रहे। बेसबब बोलते रहने की जो आदत होगी, फिर हर शख्स को तुमसे शिकायत होगी। और दोस्तों, कभी आईना सामने रख के तो देखो, कभी आईना मिरर, कभी आईना सामने रख के तो देखो, तुम में क्या है उसे तुमसे मोहब्बत होगी। अपने आप को काहे अपना तुम समझ रहे हो? तुम में क्या है उसे तुमसे मोहब्बत होगी। तो इंट्रापर्सनल स्किल में
क्या क्या आता है इसमें? होता है थिंकिंग एंड एनालिसिस। इसमें थिंकिंग और एनालिसिस आएगा, और जो हमारे पास बचा है कौन सा? इंट्रापर्सनल स्किल। उसमें क्या आएगा बोलो? अब जो हमारे पास क्या है, इंट्रापर्सनल स्किल जो है, इसमें क्या आया हमारे पास? थिंकिंग एंड एनालिसिस। उसके अंदर हमारे पास जो आएगा दैट इज एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इसमें आएगा एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल स्किल एंड इंट्रापर्सनल स्किल। कितने प्यारे बच्चे हैं जिनको सर का सारा लेक्चर समझ में आया है, ईमानदारी से बोलना विद फुल ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथनेस लिख दीजिए। ओके दोस्तों, तो हमने आज की इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है मैं यहां पे लिख लेता हूं। नंबर वन समरी आज के लेक्चर की, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन हमने सीख लिया, इसका ओरिजिन देखा, फिर दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें तीसरा नंबर है इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं, और चौथा हमने क्या पढ़ा इसमें इंट्रापर्सनल स्किल। ये सब इसमें हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने ये चीजें पढ़ी, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं, इंट्रापर्सनल स्किल क्या होता है, इनका आपस में फर्क क्या है वर्सेस भी हमने पढ़ लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब इस पे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो किस अंदाज से होंगे? इतने अंदाज से होंगे कि आप देखकर खुश हो जाओगे कि सर ने तो सारे अंदाज क्लास में डिस्कस कर लिए। हाँ, आप हमारे लेक्चर देखते जाइए, एमसीक्यूज जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस कर लेंगे यही अपने बोर्ड पर। हाँ, आप और हम तो है, आपका काम मेहनत करना, हमारा काम पढ़ाना है, गाइडेंस आप, हमारी मेहनत आपकी और गवर्नमेंट जॉब आपकी जेब में इंशाल्लाह रहमान। अगर मैं शॉर्टकट में इंट्रापर्सनल स्किल बता दूं, शॉर्टकट में अगर मैं इंट्रापर्सनल स्किल बता दूं तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। इंट्रापर्सनल स्किल की शॉर्टकट में फॉर्मूला, सर कैसे इसको याद करेंगे? आपको याद रहेगा सितारा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अरे नालायक कहां से तोड़ के लाएगा, पहले एग्जाम तो पास कर, गवर्नमेंट जॉब तो आ जाए, फिर तो प्यार की इस हमें प्यार की पट्टी बाद में सुना। स्टार का मतलब होता है एस फॉर सेंसिटिविटी, टी फॉर टॉलरेंस, ए फॉर एसर्शन, आर फॉर रेस्ट्रेन। अगर आपको बोलेगा इंटरपर्सनल स्किल क्या है तो बोलना स्टार, बोलना क्या स्टार। एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, टी का मतलब होता है टॉलरेंस, ए का मतलब होता है असर्टिवनेस, चौथे का मतलब आर का मतलब होता है रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये याद रखना फॉर्मूला, एस का मतलब सेंसिटिविटी, टी का मतलब टॉलरेंस और ए का मतलब असर्टिवनेस या सिंपली असर्शन भी कर सकते हो, और आर का मतलब होता है रेस्ट्रेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने चाहा तो कल जो है इसका फर्दर हम पार्ट पढ़ेंगे, ये हम पूरा इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। एस का क्या मतलब है, टी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ये भी इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आएगा। अब हम आपसे रुख्सत चाहते हैं, उम्मीद इस उम्मीद के साथ आपको आज का लेक्चर बहुत कमाल लगा होगा, मजा आया होगा, और ये जुमला शायद आपसे सुनना चाहूंगा कि सर ऐसी ग्रामर हमने आज तक कभी पड़ी नहीं थी। ठीक है, उम्मीद है। तो अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स को सर्व कीजिए, अपनी खास दुआओं में हमें याद रखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप और हमारा अल्लाह निगेबान। अस्सलामु अलैकुम।